निमोनिया को रेकी से कैसे ठीक करें। मेरे प्यारे साथियों, निमोनिया एक ऐसा रोग है जिस रोग के होने के बाद शरीर को आराम की ज़रूरत होती है, क्योंकि लंग्स अफेक्ट हो जाने के कारण लंग्स को कोई भी एक्टिविटी नहीं चाहिए। उसमें कफ भर जाने के कारण खांसी आना ज़रूरी है। खांसी के मदद से कफ बाहर आता है और 4-6 दिन में, 10 दिन में कोई भी निमोनिया का पेशेंट रिकवर हो जाता है। लेकिन अगर आप रेकी हीलिंग जानते हैं, खुद सेल्फ हीलिंग करना जानते हैं, रेकी हीलर हैं, तो आपके लिए और अच्छी बात है और आप फुल बॉडी हीलिंग ज़रूर करें। साथ ही साथ लंग्स के ऊपर ज़्यादा हीलिंग करें। अगर आप फर्स्ट लेवल के हीलर हैं तो फुल बॉडी और लंग्स, फुल बॉडी का मतलब 24 पॉइंट्स हीलिंग ज़रूर करें और लंग्स के ऊपर हीलिंग करते रहें। इससे बहुत ही जल्दी आराम मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर आप सेकेंड लेवल के हीलर्स हैं तो आप ओंचा जेशेनिन, सेहे की चोकुरेई, इन तीनों सिंबल को लगाइए और हील कीजिए। ओंचा जेशेनिन किसी और को हील करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन अगर आप सेल्फ हीलिंग में भी यूज कर लेते हैं ओंचा जेशेनिन तो उसका कोई भी नुकसान नहीं है। डिस्टेंस में दूसरे पर्सन को हील करना है, उस कंडीशन में आप ओंचा जेशेनिन सिंबल यूज करें। और सेल्फ हीलिंग करनी है, ओंचा जेशेनिन सिंबल नहीं लगाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, सिर्फ चोकुरेई और सेहे की सिंबल को 24 पॉइंट्स पे लगाएं और लंग्स फ्रंट एंड बैक, दोनों लंग्स पे फ्रंट एंड बैक हीलिंग करें। बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगे, आराम करें। साथ ही साथ किसी भी तरह के ठंडी चीज़ों को खाने से बचें, हवा में ना रहें, खुली हवा में ना रहें, बिल्कुल ही अपने शरीर को गर्म बनाए रखें, गर्म रखें शरीर को और अपने शरीर को और लंग्स वाले पार्ट को मसाज भी कराएं। जैसे कि आप चाहें तो सरसों का तेल और अजवाइन को पका लें और उसको भी गरम गरम तेल से मसाज कराएं और हीलिंग भी करें। निमोनिया जैसी कोई भी बीमारी होगी, चाहे बच्चों को होगी चाहे बड़ों की होगी, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। इसमें थोड़ी सांस भी फूलती है तो घबराएं नहीं, सांस फूल रही है तो क्यों हो रहा है इससे सोचकर डरे नहीं। जो ज़रूरी मेडिसिन है वो भी ले लें और हीलिंग करें, बहुत जल्दी आराम हो जाएगा। जिनके पास हीलिंग की विद्या नहीं है उनको और टाइम लग जाएगा ठीक होने में, लेकिन जल्दी आराम लेना है तो रेकी जानते हैं तो रेकी ज़रूर करें। बहुत लोग सिर्फ रेकी कर लेते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं, सिर्फ रेकी से ही ठीक हो जाते हैं और अलग से कुछ भी करने की उनको ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो मेरे प्यारे हीलर्स, इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा मकसद ये है कि आजकल का जो दौर चल रहा है उसमें लोगों को निमोनिया भी हो रही है और वायरल भी हो रहा है, तो इस वजह से लोगों को दिक्कतें आ रही हैं और उन्हीं दिक्कतों को समाप्त करने के लिए रेकी हीलिंग कैसे करें उसका तरीका हमने आपको बता दिया। धन्यवाद।